वेलकम टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। गेट डाउन। लोग बोट के बाहर गिरते, मैं बोट के अंदर ही दो तीन बार गिर गई। स्पेस एक्सरसाइज चालू है। आप यहाँ पे आओगे तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ पे जरूर विजिट करना, मतलब वर्थ है यहाँ पे आना। हे लवलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग फ्रॉम वडोदरा। इस बार मैं ट्रिप के लिए मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ आई हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम लोग की 3 दिन की ट्रिप है और अभी हम लोग नर्मदा टेंट सिटी में स्टे करने वाले हैं 3 दिन के लिए। सो, मैं आपको ये प्रॉपर्टी का टूर भी अच्छे से देती हूँ और मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स से भी मिलवाती हूँ। और आज हमारा पूरा चिल डे था, मतलब हम लोग ने 12-1 बजे चेक इन किया, फिर लंच किया और रेस्ट किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुंबई से निकले थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी इवनिंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, अभी आपको अच्छे से प्रॉपर्टी भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम व्लॉगर त्रिशाली है और मैं आज ट्रेन लेके वडोदरा से टेंट सिटी नर्मदा आई हूँ। और ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत। बस अभी मैं साइकिल चला रही हूँ, मिलते हैं। साइकिल कब से चला रही हो? बस बड़े टाइम से, मजा आ रहा है। कभी ड्रोन शॉट लिया? अच्छा, तो गाइस फिलहाल हम हैं टेंट सिटी में और हम यहाँ के फुकट की साइकिल का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। फॉग देखो कितना ज्यादा है। फॉग देखो, फॉग इधर पहाड़ों के नीचे, नीचे आ रहा है फॉग। हाँ, नीचे आ गया है फॉग, इधर इतना। शाम को यहाँ मौसम देखो कितना सुहाना हो गया है। नेचर के बीच स्टे करके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है और ऊपर से हमारे रूम्स भी बहुत ज्यादा अच्छे है। बाहर से नॉर्मल कॉटेजेस लग रहे हैं और अंदर से पूरा टेंट वाला लुक है। और यहाँ पे बाजू में है स्विमिंग पूल। सो ये है हमारा टेंट वाला रूम, ये है बेड और आजू बाजू छोटे छोटे से क्यूट लैंप्स है और यहाँ पे पानी, कॉफ़ी, टी वो सब दिया हुआ है। ये वॉशरूम है। ये साइड चेयर, टेबल, एसी, फैन वो सब है और लॉकर भी दिया हुआ है। सब छोटी मोटी चीजें भी है रूम में और काफी स्पेशियस रूम है। अगर आप टेंट सिटी में स्टे करते हो तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन से फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलेगी और ये आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर कराते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज सिलेक्ट करते हो। वन डे एंड नाइट का पैकेज स्टार्ट होता है 5,500 रुपीस पर पर्सन से, जिसमें आपको बस से घूमने मिलेगा सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, वैली ऑफ फ्लावर्स और स्टैचू ऑफ यूनिटी, और सब प्लेसेस की एंट्री फीस भी पैकेज में इंक्लूड होती है। फॉर मोर डिटेल्स आप टेंट सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी कुछ लोग यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, बाकी सब अपना कॉन्टेंट शूट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम मानसून के मजे ले रहे। पानी बरस रहा है धीरे धीरे। अभी बहुत जोरों से बारिश आ रही थी तो हम लोग ने रूम में बैठ के गप्पे शप्पे मारे और अभी डिनर से पहले मैं जा रही हूँ झूला झूलने, थोड़ा टाइम पास करूंगी फिर डिनर करूंगी। मौसम है बड़ा ऑसम। ये गाना मैंने नहीं बनाया। अभी हम आए डिनर के लिए और यहाँ बहुत ज्यादा वैरायटीज है, तो पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टर्स से। ये है पूरा मेन कोर्स
और मेन कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, सब्जी चार पांच है, कढ़ी दाल बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ सब। स्वीट में ये तीन वैरायटीज़ है। तो अभी हम लोग डिनर करके आ चुके हैं और ओवरऑल फूड का टेस्ट काफी अच्छा था और अभी हम लोग सब साथ में मिलके कुछ गेम्स खेलेंगे। मेरा ही ले रही हूँ मैं जा डांस कर। अब चेंज करो गाना। अगर आप वन डे ट्रिप के लिए आ रहे हो और स्टे नहीं कर रहे हो तो एकता नगर रेलवे स्टेशन से आप फ्री बस सर्विस यूज करके जा सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी और वहां लॉकर्स में बैग रख सकते हो। पर ये फ्री बस सर्विस सिर्फ ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से ही अवेलेबल होती है। आप वडोदरा रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो वहां से 150 रुपीज में आपको एकता नगर के लिए ऑटो मिल जाएगी और एकता नगर से आप दूसरी ऑटो या लोकल बस का यूज करके स्टैचू ऑफ यूनिटी या आपके स्टे पे जा सकते हो। फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भी वडोदरा में ही है और अगर बाय रोड आना चाहते हो तो गुजरात के मेजर सिटीज से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बसेस अवेलेबल है। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो व्हीकल आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से 6 किलोमीटर दूर श्रेष्ठ भारत भवन की पार्किंग में पार्क करना होगा क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास 6 किलोमीटर तक कोई प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, इसलिए सब प्लेसेस आपको बाय ऑटो या बाय लोकल बस कवर करनी होगी। The next day. Good morning guys. आज हमारा day 2 है स्टैचू ऑफ यूनिटी में और अभी रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आए हैं सरदार सरोवर डैम बोटिंग करने के लिए। अभी यहाँ 2 दिन हम जो भी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे वो हमारे पैकेज में इंक्लूड है, पर वैसे यहाँ बोटिंग के चार्जेस 413 रुपीज पर पर्सन है। टिकट आप ऑनलाइन बुक करोगे तो बेटर रहेगा। मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप सब प्लेसेस की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ऑफलाइन टिकट्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली वीकेंड्स पे, और आप सब टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट्स एक साथ ही बुक कर सकते हो। बोटिंग के लिए फर्स्ट स्लॉट सुबह 9:30 का होता है और 30-40 मिनट्स की ये राइड होती है। सरदार सरोवर डैम आप बाय लोकल बस या ऑटो से आ सकते हो। चलिए अब ये राइड इंजॉय करते हैं। इस राइड के दौरान हम डाइक नंबर 3 से डाइक नंबर 4 की ओर भी जाने वाले हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगा, मगर उससे पहले ध्यान रखिएगा कि इस पूरी राइड के दौरान आप में से किसी को भी लाइफ जैकेट निकालना नहीं और सभी को प्रॉपरली लाइफ जैकेट पहन कर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस जगह का नाम ना डाइक नंबर 3 भी है। अभी डाइक सुनने में आप सभी को कुछ नया सा लग रहा होगा कि ये डाइक है क्या, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पहले पूरा गांव बसा करता था जिसका नाम था पंचमुली और इस जगह का नाम पहले पंचमुली था, फिर उसे चेंज करके डाइक नंबर 3 रखा गया। और डाइक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस तालाब के पानी को रोकने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, इसे डाइक कहते हैं, जिसमें ऐसे नाम और नंबर रखे गए। हालांकि ऐसे 4 तालाब है जिन्हें डाइक नंबर 1, डाइक नंबर 2, 3 एंड 4 के नाम से जाना जाता है, तो हम 3 एंड 4 में इस राइड को एंजॉय करने वाले हैं। दोबारा कश्मीर और केरला में सभी लोग जानते हैं शिकारा हाउस बोट है, बिल्कुल ठीक सेम टू सेम वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो भी शिकारा हाउस बोट यहाँ पर लाई गई है, वो स्टे के लिए भी अवेलेबल है। खैर अभी आप लोग अपनी तरीके से इस राइड को एंजॉय करिए। यही शिकारा बोट हाउस है जिसके बारे में बता रहे थे, अभी आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। बोट हाउस में स्टे स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे एक ही बोट हाउस है। ये एकता बोट हाउस का वन डे पैकेज स्टार्ट होता है 10,000 रुपीज पर पर्सन से। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका स्टे बुक कर सकते हो। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की थोड़ी सी झलक दिखी है मुझे, बैक पार्ट दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। अभी दोपहर के 4:15 बज रहे हैं और हम लोग हमारे टेंट सिटी से निकल रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। हमारे टेंट सिटी से कुछ शायद 5-10 मिनट ही लगेगा बस में।
अभी हमारे टेंट सिटी से 15 मिनट का बस में सफर करके हम पहुंच गए फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी हम लोग टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। अभी बस यहाँ से टिकट ले रहे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री फीस है 150 रुपीज, जिसमें आप स्टैचू के फुट लेवल तक जा सकते हो और आर्ट गैलरी विजिट कर सकते हो। पर अगर आप व्यूइंग गैलरी जाना चाहते हो, यानी कि स्टैचू के चेस्ट लेवल पे, तो उसके चार्जेस है 380 रुपीज। और अगर आप 380 रुपीज वाली टिकट लेते हो तो आपको सेपरेटली 150 रुपीज वाली टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों में से कोई भी टिकट लो, दोनों में सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, वैली ऑफ फ्लावर्स और लेजर शो की टिकट इंक्लूड होती है। और ये टिकट्स भी आप सेम स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो। अभी हम यहाँ बारिश के मौसम में हैं, फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो हम अभी यहाँ अंदर ट्रैवल एडर से चल रहे हैं और चलने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, आराम से जा रहे हैं। अभी एंट्री लेने के बाद सबसे पहले हम आए हैं व्यूइंग गैलरी और हम जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू है उनके चेस्ट लेवल पे, जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। व्यूइंग गैलरी जाने के लिए हमें लिफ्ट का यूज़ करना होता है, जो सिर्फ 30 सेकंड में हमें 45th फ्लोर पे पहुंचा देती है। ये कितने बजे बंद होगा? 6 बजे। से कंपेयर करते हो तो ये जो पूरी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये 60 स्टोरेज बिल्डिंग जितना बनता है, जिसमें से ये जो व्यूइंग गैलरी है वो 45 नंबर के फ्लोर पे आई हुई है। ये जो है ये 135 मीटर की हाइट पे है अभी हम जो खड़े हुए हैं। और वो सेकंड नंबर का बटन ये आप ऊपर ये जो सर्कल देख रहे हो ना, ये ऊपर से दूसरे नंबर का बटन है। व्यूइंग गैलरी आप लोगों को नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि पहाड़ के व्यूज को देखने के लिए बनाई गई गैलरी। तो अगर आप यहाँ से बाहर देखते हो तो राइट में सभी जो माउंटेन रेंजेस है वो सतपुरा माउंटेन रेंजेस है और लेफ्ट में जो है वो विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है। और उन दोनों माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करता हुआ आप सामने सरदार सरोवर डैम देख सकते हो। ये एक ही ऐसी जगह है कि जहाँ से आप सरदार सरोवर डैम का फ्रंट व्यू एज वेल एज बैक रिजर्वायर यानी कि पीछे का पानी दोनों एक साथ देख सकते हो। अब ये जब डैम पे वाटर लेवल 138 मीटर तक रहता है तो ये जो रिजर्वायर है ये 214 किलोमीटर लंबा हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों माउंटेन रेंजेस को सेपरेट करती है नर्मदा रिवर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नर्मदा नदी के बीचों बीच बनाया हुआ है। और इस जगह को पहले साधु हिल नाम से जाना जाता था। अब यही पार्ट क्यों सिलेक्ट, यही रीजन क्यों सिलेक्ट किया स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए, तो उसका भी जो मेन रीजन है वो आप यहाँ से सामने देख सकते हो, सरदार सरोवर डैम। क्योंकि 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये विजन था कि यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करके उस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो उनको ये पता चल पाए कि आज जो सरदार सरोवर डैम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही एक विजन है। और सरदार सरोवर डैम जो है उसे लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर गुजरात में बरसात नहीं भी होती है तो भी डैम में इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे गुजरात को ड्रिंकिंग और इरिगेशन का पानी सप्लाई कर सकता है 3 साल के लिए। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ आवर गुजरात। और ये पूरा नदी कब भरा हुआ रहता है? एक्चुअली मैम अभी क्या है, अभी डैम में मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट है, तो इसी वजह से अभी आपको वाटर लेवल इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। व्यूइंग गैलरी से यहाँ पे सामने डैम का नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा और नदी का नज़ारा दिखता है। और अभी तक यहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं हुई है, वरना नदी का नज़ारा और भी अच्छा दिखता था। स्टैचू से वो साइड दिख रहा था फ्रंट व्यू और यहाँ से दिख रहा है बैक व्यू। वहाँ पे नर्मदा घाट है जहाँ पे रोज शाम को आरती होती है। अभी हम रिटर्न नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे एंट्री लेते ही है आर्ट गैलरी। तो अभी हम यहाँ पे सब डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स देख रहे हैं और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बस अभी थोड़ी देर ये जगह एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर वाले लेवल। आर्ट गैलरी विजिट करने के बाद अभी हम आए हैं स्टैचू के फुट लेवल पे और यहाँ से आपको स्टैचू की डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से दिखेगी। इनके पैरों के चप्पल के धागे का साइज भी मेरे पेट से बड़ा है, पैर तो जाने ही दो। स्टैचू
चुके फुट लेवल तक आने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, या फिर आप एस्केलेटर का भी यूज कर सकते हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में यहाँ पे थोड़े बहुत फूड कोर्ट भी है, वहाँ पे स्टारबक्स है और यहाँ पे अंदर अमूल कैफे वगैरह है। सो आप यहाँ से कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे स्नैक्स भी है और गुजराती थाली भी है, सो आप लंच टाइम पे अगर आते हो तो आप यहाँ पे लंच भी कर सकते हो। यहाँ पे 6:30 के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास वाला जो मेन एरिया है वो क्लोज्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं करते। तो अभी हम लोग यहाँ पे बाहर थोड़ा फूड कोर्ट के वहाँ आए थे, नाश्ता किया, चाय पिया और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं लेजर शो के लिए। थोड़े टाइम में लेजर शो स्टार्ट होगा। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। 182 मीटर ऊंचे इस भव्यति भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी। हम लोग यहाँ इवनिंग के टाइम पे आए थे 4 से 6 के स्लॉट में, और फिर 6:30 से 7:30 तक हम लोग ने यहाँ फूड कोर्ट में टाइम पास किया और 7:45 के बाद लेजर शो एंजॉय किया। सो अगर आप भी इवनिंग के टाइम पे आओगे तो बेटर रहेगा, आपको सनसेट भी एंजॉय करने मिलेगा और लेजर शो भी एंजॉय करने मिलेगा। अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं हमारे स्टे पे, हमारे रूम पे, और आज हमने 2 प्लेसेस ही विजिट की बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कल हम शायद 3-4 जगह विजिट करने वाले हैं। सो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। नेक्स्ट डे हमारी सवारी चल पड़ी सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एक्सप्लोर करने, जो 375 एकर में फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको 60-70% एनिमल बाहर ही दिखेंगे, केज में नहीं दिखेंगे, मतलब ओपन डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इस जू को बनाया गया है। हाय, हम लोग अपने भाइयों से मिलने जा रहे हैं। हम हमारे भाइयों से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ सांपों को देखने आए हैं। भी रास्ते में हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर हिरण देखे, और वाइट वाले हिरण इतने खूबसूरत दिख रहे थे। और अभी हम लोग आए हैं बर्ड्स देखने, मतलब हिरण वगैरह हम लोग ने गोल्फ कार से ही देख लिए। कीपर्स हमारे बायोलॉजिस्ट, दे टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ स्पैन ऑफ बर्ड। वो बर्ड की लाइफ, उसके ब्रीडिंग हैबिट्स, उसके मेटिंग हैबिट्स, उसके जितने भी नीड्स हैं, व्हाट वी कॉल इन लेमेंस लैंग्वेज, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक्टिविटीज़ और उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हैं। देयर डाइट प्लान, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन ऑन अ वेरी प्रिसाइज वे, और जैसा कि नेस्टिंग कर सके उसके लिए हमने उसको एटमॉस्फेयर दिया। और यहाँ पे कितने स्पीशीज है बर्ड्स की? ओवरऑल स्पीशीज बर्ड्स के, आई विल टेल यू द करेक्ट नंबर, अभी 2024 में जो रिपोर्ट गया उसके हिसाब से, बट 2300 ओवरऑल स्पीशीज वी हैव इन द जू। स्पेशली बर्ड और एनिमल का बाइफरकेशन मैं आपको अलग से शेयर करता हूँ। रिहैबिलिटेट भी करते हैं बर्ड्स को? नो, बाहर से कोई भी, एज पर द सीजेड रूल्स जो होता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी का गाइडलाइंस है, उसमें हम कोई भी आउट ऑफ द जू एनिमल या बर्ड को यहाँ पे नहीं ला सकते। गाड़ी की हवा
गाड़ी की हवा सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो अच्छा लग रहा है बट मजा काफी आ रहा है, बट गर्मी भी उतनी लग रही है। बहुत हाँ यार, कॉटन छोटा कपड़ा कुछ काम नहीं आ रहा है। बारिश आए तो भी प्रॉब्लम, ना आए तो भी प्रॉब्लम। वॉक टाइम है वो 10,000 स्टेप कंप्लीट कर रहा है। क्या पका रहे हो बोल रहे हैं? फेस एक्सरसाइज चालू है। गाइस जू सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ पे जरूर विजिट करना, मतलब वर्थ है यहाँ पे आना। जूलॉजिक पार्क के चार्जेस की बात करें तो यहाँ के चार्जेस है 200 रुपीज फॉर एडल्ट, और बच्चों के लिए 3 to 15 ईयर्स के एज वालों के लिए 125 रुपीज है। और यहाँ पे जू के अंदर अलग अलग बस स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ पे आप गोल्फ कार से विजिट कर सकते हो, और ये गोल्फ कार के चार्जेस भी टिकट के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं। बट अगर गोल्फ कार फुल रहेगी तो आपको पैदल ही विजिट करना पड़ेगा। क्या आंखें देखो यार, आपको क्या कुछ शौक है। अभी यहाँ पे जोरों से बारिश शुरू हो गई थी तो हम पूरा भीग गए, छाता या रेनकोट कुछ लाए नहीं थे, बट बारिश होते ही बर्ड्स जो जोरों जोरों से चिल्ला रहे थे, मजा आ गया उनकी आवाज सुन के। अभी हमने यहाँ पे व्हाइट टाइगर और लायन भी देखा, बट बहुत दूर थे इसलिए मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई, और ये पूरा जू एक्सप्लोर करने में हमें 2-2.5 घंटे लगे और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अभी वापस जाएंगे रूम पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, और फिर शाम को वैली ऑफ फ्लावर्स और एक दो जगह विजिट करने वाले। ये जूलॉजिकल पार्क के अपोजिट साइड पे पेट जोन भी है, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। दूसरे भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि पेट जोन, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, डाइनो ट्रेल, यूनिटी ग्लो गार्डन, ये सब अट्रैक्शन के चार्जेस 3,200 रुपीज के बीच में है। आप वेबसाइट अच्छे से चेक करना, आप कोई सिंगल प्लेस भी चूज कर सकते हो या आप सब प्लेसेस का साथ में कोई पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी प्लान में थोड़ा चेंजेस है, हम वैली ऑफ फ्लावर्स और दूसरी जगह पे नहीं जा रहे, उसकी जगह हम आए रिवर राफ्टिंग करने, खालवानी इको टूरिज्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो यार, गाइस पानी का फ्लो इतना ज्यादा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा रिवर राफ्टिंग, और देखो पानी का फ्लो तो अजमल डर लग रहा है मुझे, जाओ या नहीं, कैसा लग रहा है डर? मत जाओ, हमारा तो बैकआउट नहीं, जाओ बिंदा जाओ, कुछ नहीं है, बहुत नल्ला है वो, बीच में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, गिरूंगी नहीं। अरे राफ पलटी थोड़ी होता है, अच्छा नहीं होता। अभी सबने यहाँ कंसेंट फॉर्म फिल किए कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ हो गया तो सब अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। डीप ब्रेथ, सब रेडी? ऑल रेडी, यस, नो वन इज रेडी, सब रेडी। फॉर्म फिल नहीं किया? कर दिया अभी, नहीं धक-धक हो रहा है, गर्म में तो बहुत तेज धक-धक हो रहा है, क्या हो रहा है सबको, धक-धक हो रहा है, धक-धक यार, अभी तो बोले थे मैन मेड है, कि मैन मेड है। गुड एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम टू द खलवानी। ओके, सो दिस इज प्लेस कॉल्ड खलवानी, सो टुडे वी गोना हैव 4.5 किलोमीटर राफ्टिंग। Okay, so this will take around 30 to 40 minutes on the river with solid class 3+. So international grading are class 1 to class 6. So okay. Class 3+ means there is chances to fall out and sometimes slip. Okay, so we have some terms and condition here. If you are above 55-year-old, we don't allow. Below 14, we don't allow. If you have like more than 100 kg weight, we don't allow. Okay.
Does anyone have any medical issue? Yes. Like asthma, epilepsy, shoulder surgery, knee surgery. Okay, forward. Stop. Okay, forward. Stop. Stop, get down. Get back. And forward. Forward, forward. Stop. Stop. Hold the rope. रस्सी पकड़ के रखना. ओके, बैक पैडल. स्टॉप स्टॉप. गेट डाउन. Get back. Okay, forward. Stop, stop, stop. Watch out, watch out. Okay, forward. Stop. A few moments later. मजा आया नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा आया. बहुत 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 ड्रॉप थे ना, वो तो डिफरेंट है. ऋषिकेश में क्या रैपिड्स है. थैंक यू. सो गाइज, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और लोग बोट के बाहर गिरते, मैं बोट के अंदर ही दो तीन बार गिर गई. अच्छा, ठीक है. बट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था और हमारे गाइड ने भी हमें काफी अच्छे से गाइड किया. इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन बहुत प्रॉपर दिए. सो अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करोगे तो गिरोगे नहीं. बट मैं फिर भी अंदर गिरी. अंदर गिरी मैं बोट के, बाहर नहीं. बाहर गिरो, बाहर मजा आएगा. एक कायाक बोट साथ में चल रही थी जो गिर गया, उनको रेस्क्यू करने के लिए. गाइज मजा तो काफी है बट हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा. रात को और ज्यादा हो गया आई थिंक. कितने बजे तक रहने वाले पुल में? 8-9 बजे तक, जब तक डिनर नहीं होता. मन ही नहीं कर रहा ना जाने का. सब सब यहाँ पे एटलीस्ट 20-30 लोग हैं, सब पुल में ही आ गए. हेलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे एक मछली पानी में गई, छपका खेल रहे थे स्विमिंग पूल के अंदर, जिसमें मैं हार गई. भाई छोड़ दो उसको, लीव हर अलोन. सो गाइस, आज का ये डिनर हमारे इस ट्रिप का लास्ट डिनर है और लास्ट फूड है. कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग चेकआउट करने वाले, इसलिए ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे. और इतने तीनों दिन प्रॉपर्टी में हम लोग ने ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी किया, बहुत टेस्टी था, सब मजा आ गया. अभी अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे हम कर रहे हैं हमारे रूम से चेकआउट, क्योंकि मुंबई की हमारी 9:30 बजे की ट्रेन है. अभी ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा.